वेलकम टू रॉथ ब्लॉग अगेन। जैसे कि हर बार मैं कुछ नई चीज़ें लेके आता हूँ, इस बार मैं आपके लिए वेयर हाउस के ऊपर एक टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है गाइस, तो हम पढ़ेंगे वेयर हाउस के बारे में। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का जो है उनका वर्क परमिट जो है वेयर हाउस का है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की वेयर हाउस कितने तरीके के होते हैं और उसकी जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो ये मैं आज एज रिटन में लेके आया हूँ। ठीक है, इसको आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, बहुत ईजी वे हो जाएगा आप लोगों के लिए कहीं पर भी देखने का। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट करके इसको लेटर आप पढ़ भी सकते हो। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वेयर हाउस होता क्या है, आप उसके बारे में देखिए। ठीक है गाइज, वेयर हाउस वो जगह होती है जहाँ पे हम कोई भी चीज़ स्टोर करते हैं। ठीक है, कोई बिल्डिंग हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई भी एक ऐसी जगह जहाँ पे हम स्टोरेज कर रहे गुड्स को। गुड्स कहने का मतलब आपके सामान को, वो छोटे लेवल में भी हो सकता है और बहुत बड़े लेवल में भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, जो वेयर हाउस होते हैं वो कौन कौन सी कैटेगरी होती है, मेनली जो कैटेगरी है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो होता है बॉन्डेड वेयर हाउस का, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो बॉन्डेड वेयर हाउस है उसमें लिखा हुआ सिक्योर फैसिलिटेड फॉर स्टोरिंग द गुड एंड द कस्टम कंट्रोल। ये क्या होता है, जो कस्टम होते हैं ना कस्टम वाले, एंड कंट्रोल फॉर ड्यूटीज़ पेड ऑफ गुड्स जितने भी होते हैं, ये सब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए यूज होते हैं गाइस। तो आप देख सकते हो जो ये बॉन्डेड वेयर हाउस है, कहीं भी आप सुनोगे अगर लाइफ में कि भाई मैं बॉन्डेड वेयर हाउस में काम करता हूँ, तो समझ लेना वो कस्टम वालों के साथ काम करता है और इसी वेयर हाउस में उसकी ड्यूटीज़ रहती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाले वेयर हाउस होते हैं उसमें ये काम यूज होता है। ठीक है, उसके बाद गाइस कोल्ड स्टोरेज, ये जो कोल्ड स्टोरेज वाला वेयर हाउस है इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, ये क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ठीक है, और स्टोरिंग द प्रिमिसिबल्स गुड फॉर फूड पैरामेस्यूटिकल और जो है केमिकल। गाइस ये जो कोल्ड स्टोरेज है ना, ज़्यादातर आपको पोलैंड में सबसे इम्पोर्टेंट, इसको मैं लिख लेता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट वाला है। ठीक है, ये कोल्ड स्टोरेज वाला ही आपको ज़्यादातर मिलेगा। ठीक है गाइस, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ क्योंकि आपके मैंने देखा है पोलैंड में बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो इसके ऊपर काम करती है, केमिकल के ऊपर। ठीक है, और फूड जैसे मीट फैक्ट्री हो गया, ठीक है, और केमिकल के ऊपर काम करती ज़्यादातर कंपनियाँ इसके ऊपर ही है। ठीक है, उसके बाद हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस। अ वेयर हाउस यूज फॉर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड एंड प्रोडक्ट। फिनिश ऑफ गुड एंड प्रोडक्ट कहने का मतलब है, इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाला वेयर हाउस। ठीक है, जहाँ पे जो है इसको गुड्स को हम क्या है प्रिपेयर भी कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ लिया, एक बॉन्डेड वेयर हाउस हो गया, कोल्ड स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑटोमेटेड वेयर हाउस। गाइस ऑटोमेटेड वेयर हाउस कहने का मतलब है इसके अंदर सब कुछ रोबोटिक्स वगैरह से होता है। आप देखना बहुत सारे वेयर हाउस होते हैं जहाँ पे रोबोटिक्स वगैरह से मैन्युफैक्चरिंग होती है और रोबोटिक तरीके से ही उनका जो है काम होता है। आप देख लो, ये रोबोट एफिशिएंसी टू स्टोर एंड रिवर्ट द गुड्स। ठीक है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है इसमें, आप देख लेना, ये देखो ऑटोमेटिक जो है स्टोरेज रहता है। ठीक है, तो गाइस ये जो ऑटोमेटेड वेयर हाउस है ये आपको मिलेंगे बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियों में जहाँ रोबोट या टेक्नोलॉजी के ऊपर काम होता है। जैसे बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, उनके वेयर हाउस में सारे काम इसी ऑटोमेटेड से ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक आता है मल्टी टेम्परेचर वेयर हाउस। अब ये क्या होता है, देखो ये क्या होता है, एक ही वेयर हाउस के अंदर अलग अलग टेम्परेचर सेट करते हैं। यहाँ पर हीट भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है, चिलर भी हो सकता है, या फिर जो भी प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से जो है आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिवर्स लॉजिस्टिक वेयर हाउस। रिवर्स लॉजिस्टिक वेयर हाउस कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ गाइज। आपने हमेशा एक चीज़ देखी होगी कि जिस भी वेयर हाउस में आपकी जो है डैमेज और रिटर्न गुड, आप देखना जो अमेजोन वाले होते हैं या फिर फ्लिपकार्ट वाले होते हैं या कोई भी है, जब उनके जो गुड्स यानी जो उनकी जब रिटर्न आता है चीज़ें, तो उनके लिए दूसरा पिकअप वाले होते हैं, तो वो सब जो है रिवर्स लॉजिस्टिक में जाते हैं। फिर बोलते हैं पब्लिक वेयर हाउस। अ वेयर हाउस ओपन टू द पब्लिक स्टोरेज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड। आप बड़े से बड़े जो सपोज लेट्स से एग्जांपल, मैंने कहीं वेयर हाउस देखे हैं गाइस, उसमें क्या होता है पब्लिक वहाँ जाके सामान खरीद भी सकती है। ठीक है, तो ओपन जनरली आप किसी भी बड़े बड़े सुपरमार्केट, हाइपरमार्केट में जाओगे तो आप देखोगे वहाँ पे एक कोल्ड स्टोरेज भी होता है जहाँ पे आप चिकन मटन फ्रोजन रखे होते हैं। ठीक है, तो वो पब्लिक वेयर हाउस आप उसको कंसिडर कर सकते हो। तो ये क्या बोल रहा है, दिस आर द जस्ट एग्जाम्पल एंड इट मे बी द वेयर हाउस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। मतलब ये जो जितने भी मैंने आपको ऊपर बताया उनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन कैसे कहने का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ये वाला क्या बोलते हैं इसको ऑटोमेटेड भी हो सकता है, ऑटोमेटेड के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है कोल्ड स्टोरेज भी हो सकता है। तो गाइस ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी और ये सिर्फ चीज़ें सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, याद भी रखनी है। ठीक है, अब क्या होता है मैं आपको बताऊँगा जो आपकी इस समय जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी
ठीक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना, आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ। अ वेयरहाउस वर्कर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग वेरियस मैनुअल लेबर। भाई ये देखना, जो मैनुअल वाला पैकर आता ना, ये जॉब मैंने बहुतों में देखा है पेपर में, ठीक है, बहुत सारे लोगों के। इन द वेयर हाउस सेटिंग सच एज रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग इनकमिंग स्टॉक, पिकिंग एंड फाइलिंग ऑर्डर, ठीक है, फ्रॉम द स्टॉक, पैकिंग, शिपिंग, ऑर्डरिंग, मैनेजिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड रिट्रीविंग स्ट्रेट फ्रॉम द वेयर हाउस, ठीक है। अब सम ऑफ द स्पेसिफिक जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इनकी, रिसीविंग, अनपैकिंग, स्टोरिंग एंड इनकमिंग ऑर्डर। देख लो गाइस, ये टर्म्स याद रख लेना, जो नए बंदे हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। फिर आपने पिकिंग किया, पैकिंग किया, शिपिंग किया, ऑर्डर टू कस्टमर को दे दिया। फिर ऑपरेटिंग वेयर हाउस हो सकता है, इक्विपमेंट सच एज फोर्कलिफ्ट, जो ये देखो पैलेट जैक्स जो होते हैं, हैंड ट्रक्स जो होते हैं, ये सब गाइस इनके भी लाइसेंस बनते हैं वेयर हाउस के अंदर, ठीक है, ये भी याद रखना, ये फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस अलग होता है, ठीक है। तो आप जो है ये काम भी आपका हो सकता है, कीप ट्रैक ऑफ इन्वेंट्री लेवल, आपको जो है इन्वेंट्री चेक करनी है, ठीक है। उसके बाद आपकी रिपोर्टिंग, आपने रिपोर्टिंग चेक कर दी, मैनेजिंग अ क्लीन ऑर्गेनाइज सेफ एनवायरनमेंट, ठीक है, ये भी रखना है। फॉलोइंग कंपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असिस्टेंटिंग द लोडिंग एंड अनलोडिंग ट्रक एंड कंटेनर, जब ट्रक एंड कंटेनर वहाँ पे आएंगे आपको उनको लोड और अनलोड करना है, सही तरीके से रखना है, ठीक है। द स्पेसिफिक ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वेयर हाउस वर्कर मे वेराई बेस्ड ऑन साइज, टाइप एंड वेयर हाउस एज वेल एज द इंडस्ट्री इट कैन बी ऑपरेट। देखो गाइस, हमेशा तुम मेरे को ये चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट क्या होती है, आप जिस भी जॉब में जा रहे हो ना, वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी होती है, ये आपको जरूर 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 मस्ट आप जो है इसको लिखो, ठीक है, समझो, फिर आप जो है जॉब पर जब जाओगे तो आपके लिए ना चीज़ें हेडेक नहीं होगी, आपके लिए काम क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस इसलिए मैं ये सारी चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ, आप देख सकते हो ये अब सुधीर राउत ब्लॉग चैनल है, ठीक है, जो कि हर बार आपके लिए कुछ तो कुछ नई चीज़ें लेके आते हैं, तो इसलिए मैंने आज जो है वेयर हाउस के ऊपर आपको बता दिया। और फिर बोल रहा हूँ गाइस, ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये आपको जो है हर जगह काम आएगा, सिर्फ पोलैंड में नहीं, ठीक है। तो वेयर हाउस वर्कर के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसको अच्छे से पढ़ लेना, जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी, ठीक है, और आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी होगी, मैं सब एक बार इरेज कर देता हूँ, ठीक है, तो आप जो है एक बार दोबारा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था मैंने टिक कर दिया, तो आप वीडियो जो है दोबारा जाके चेक करना, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो ये देखो, ये लेबर मैनुअल जो मैं बता रहा हूँ इसको तो मैं लिख ही देता हूँ दोबारा से, ये देखो मैनुअल पैकर का बहुत आता है, मैंने देखा है, ठीक है। तो गाइस हमेशा मेरी चीज़ याद रखना, जो चीज़ें हैं ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, सुदीप रावत ब्लॉग में। तो गाइस ये चैनल जो है बहुत ऑथेंटिक है, मैं सबको बोलता हूँ, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और याद रखना ये जो है ऑल कंट्रीज़ के लिए है, ये सिर्फ पोलैंड के लिए नहीं है, सब कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। तो गाइस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ऐसी चीज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, आप दोबारा इस चीज़ को जो मैं टिक कर रहा हूँ इसको दोबारा पढ़ लेना एक बारी, ठीक है। और ये जो आपकी जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस, देखो रिसीविंग करना, अनपैकिंग करना, स्टोरिंग करना, ऑपरेटिंग वेयर हाउस फोर लिफ्ट, मैं आपको फिर बता रहा हूँ इसके लाइसेंस होते हैं, ठीक है, और जो मेंटेनिंग द क्लीन ऑर्गेनाइज करना है, आपको सेफ एनवायरनमेंट में काम करना है, ठीक है, सेफ एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइज करके सामान रखना है, ठीक है, क्योंकि सामान रखने का भी तरीका होता है, मैं आपको उसको बाद में वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो आप इतनी सारी चीज़ें जो है आप पढ़ लो इनको, ये आपके काम आएगी गाइस। और मैं फिर बोल रहा हूँ सिर्फ पोलैंड के लिए नहीं है, ये हर जगह के लिए, आप कभी दुबई भी आओगे ना जॉब में, तो ये मेरी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो गाइस ये है सुदीप रावत ब्लॉग, और चैनल को करो सब्सक्राइब, ठीक है, मिलते रहेंगे एंड सी यू सून, थैंक यू सो मच।